हेलो स्टूडेंट, आई एम अश्विनी मांडे। टुडे टॉपिक इज स्टिल। स्टिल के हमारे मिडिल चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। स्टील के जैसे हम लोग बिल लाइट बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, स्टील को हम लोग फैब्रिकेशन में यूज़ करते हैं, स्टील के हम लोग शीट का यूज़ करते हैं। तो स्टील वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन में, वेरियस टाइप्स ऑफ इन में हमारे यूज़ में आती है। तो स्टील होता क्या है, स्टील का उपयोग क्या होता है, स्टील के प्रकार क्या है, इसके बारे में आज हमें स्टडी करना है। ओके, तो स्टील के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि स्टील होता क्या है। तो स्टील की परिभाषा ऐसे है कि एक अति महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोग में आने वाला ऐसा धातु है जिसे अलोह धातु भी कह सकते हैं, कि वो लोहे में नहीं आता। उस कौन से धातु में आएगा, अलोह धातु में। लेकिन जो स्टील बना हुआ है, ये लोहा, मैंगनीज, कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है। स्टील जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है, लोहा, मैंगनीज, स्टील और सिलिकॉन, इन चारों के मिश्रण के द्वारा इसे बनाया जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कार्बन, ठीक है। इसका उपयोग जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जगह पे, इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, घर के सामानों में, सामान बर्तन बनाने में, औजार बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टील की परिभाषा समझिए आपको, स्टील एक ऐसा अत्यधिक महत्वपूर्ण और लोह धातु है जो बना हुआ है लोहा, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज को मिला के, ठीक है। तो हम लोग स्टील के प्रकार भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टील की परिभाषा आपको समझिए, स्टील किसको मिला के बनता है, आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, ठीक है, सिलिकॉन, मैग्नीज, ठीक है। अब दोबारा हमारे स्टील के प्रकार दिए हुए हैं, स्टील के प्रकार है, ठीक है। हम लोग टाइप्स ऑफ स्टील पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्टील, ठीक है। स्टील के मुख्यतः दो प्रकार है, प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, और दूसरा होता है अलॉय स्टील। और दूसरा क्या होगा, अलॉय स्टील। ध्यान में रखिए आपके पास कि हमारे स्टील के दो टाइप है, एक है हमारा प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा है अलॉय स्टील। जो प्लेन कार्बन जो स्टील है, ये जो बना हुआ है, ये डिपेंड करता है कि उस स्टील के अंदर कार्बन की कितनी मात्रा है, ठीक है। यानी डिपेंड ओनली ऑन कार्बन के ऊपर, कार्बन की मात्रा के अनुसार इसके टाइप गिरे हुए हैं। और अलॉय स्टील बोलो, यानी अगर ऐसा स्टील जिसमें हम लोग और दो तीन धातुओं को मिक्स करते हैं उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे अलॉय स्टील। तो टाइप्स ऑफ स्टील कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील यानी क्या, स्टील ऐसा स्टील जिसके प्रकार पड़े हुए कार्बन की मात्रा के कारण। और दूसरा मैंने कहा क्या, अलॉय स्टील, जिसमें हम लोग ऐसा स्टील जिसमें और दो तीन धातुओं को मिक्स करके एक नया स्टील बनाएंगे, उसको कहेंगे हम लोग अलॉय स्टील। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लेन कार्बन स्टील की, ठीक है। ओके, तो अब ये दोनों नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्लेन कार्बन स्टील की, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील में बहुत ही हल्की मात्रा में सिलिकॉन, मैंगनीज और आयरन होता है, और तथा फास्फोरस होता है। क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में, और सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। तो प्लेन कार्बन स्टील में सबसे अधिक मात्रा में होता है कार्बन, इसलिए इसका जो बेसिक पकड़ा गया है कार्बन पकड़ा गया, ठीक है। और उससे कम मात्रा में क्या मिलेगा आपको, सिलिकॉन मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा और फास्फोरस मिलेगा, ठीक है। तो प्लेन कार्बन स्टील के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील के प्रकार पढ़ते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूं, टाइप्स ऑफ
लो कार्बन स्टील, ए है लो कार्बन स्टील, बी है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और तीसरा आता है हमारा हाई कार्बन स्टील। समझ में आ रहा है तुमको कि हमारे प्लेन कार्बन स्टील में सबसे मेन टॉपिक क्या है हमारा, कि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन होगा जिसमें फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीशियम बहुत ही कम मात्रा में होंगे। लेकिन जब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लेन कार्बन स्टील की बात करते हैं, हम लोग उसके प्रकार की बात करते हैं, तो उसको कार्बन के प्रतिशत के आधार पर उपस्थित, यानी उस स्टील में कितना कार्बन उपस्थित है इसके आधार पर हम इसके तीन प्रकार हैं। एक होता है लो कार्बन स्टील, यानी हम उसको हिंदी में कहेंगे निम्न कार्बन स्टील। दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील, उसको कहेंगे हम लोग मध्यम कार्बन स्पात, और हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन स्पात। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लो कार्बन स्टील की। ठीक है, सबसे पहले बात क्या करेंगे हम लोग लो कार्बन स्टील की। ठीक है, अब लो कार्बन स्टील में क्या होगा, इसमें कार्बन की मात्रा होगी लेकिन इन दोनों के कंपेयर में कैसे होगी, कम होगी। तो इसमें जब कार्बन की मात्रा होती है ये 0.2% कार्बन होता है। कितना होता है, 0.2% कार्बन इससे कम होती है, से कम यानी अप टू से कम 0.25% से भी कार्बन की मात्रा कैसे रहेगी, कम, जिसके कारण क्या कैसे होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, इसलिए हम इसको मुद्र कार्बन भी कहते हैं, मुद्र स्टील भी कहते हैं, यानी सॉफ्ट स्टील भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन कम होने की वजह से कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ठीक है, इसका प्ले उपयोग जो है हम लोग चद्दर, तार, प्लेट इत्यादि बनाने में करते हैं। क्या बनाने के लिए करते हैं, चद्दर, तार, प्लेट्स बनाने में किया जाता है। तथा इसका उपयोग नट, बोल्ट, ब्रॉशर, स्क्रू, फोर्ज बोर्ड इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मैं आपको अलग से लिखा भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लो कार्बन स्टील की बात कर रहे हैं। लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी कहा मैंने, 0.25% से कम कार्बन। ठीक है, ये कैसा होगा, नेचर में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा, नरम होगा, इसलिए इसका उपयोग हम लोग हार्ड जगह पे, यानी जहाँ पे बहुत ही मजबूत वाले काम है या टूल्स बनाने वाले काम है, ऐसी जगह पे नहीं करेंगे। इसका उपयोग किया जाएगा यूज तार, चादर, प्लेट, नट, स्क्रू, नट स्क्रू, और देन उसके साथ साथ हमारा आता है वॉशर, बोल्ट, वॉशर इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है, इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको जैसे मैंने लिख दिया कि कितनी होती है, 0.25% से कम होती है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तार, चद्दर, प्लेट, नट, बोल्ट और वॉशर इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। अब दूसरे इसकी बात करते हैं हम लोग मीडियम। ठीक है, अब मीडियम की बात करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। अब मीडियम कार्बन स्टील में ऐसा है कि इसमें कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है, कार्बन की मात्रा होगी 0.3 से लेके 0.6%। कितना होगा, 0.3 से लेके 0.6%। तो इसके वजह से कार्बन थोड़ा अत्यधिक मात्रा में होने के कारण क्या होगा, ये कठोर होगा, मजबूत होगा। ठीक है ना, इसमें मशीन के गुण अच्छे होंगे, यानी हम लोग इसके से मशीन के पार्ट्स अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके गुण कैसे होंगे, ये गुण कठोर, मशीन के गुण
मशीन के गुण, ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोग ये अधिक सामर्थ्य वाला, सामर्थ्य अच्छा होगा इसका, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग, अब इसको उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो इसको उपयोग होगा मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको उपयोग होगा रोड शाफ्ट गियर, शाफ्ट गियर पार्ट्स, कोई मशीन का पार्ट्स हो, ठीक है, इत्यादि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो मीडियम कार्बन स्टील में आपको क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होगी, तो इसमें कार्बन की मात्रा होगी 0.3 से लेकर 0.6%, जिसकी वजह से इसमें क्या हो गया कि हमारे लो में कार्बन की वैल्यू कितनी थी, 0.25 से कम, इसमें कम कार्बन था, इसलिए वो कैसा था, बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, तो इसलिए हम उसे क्या बनाते थे, तार चंद्र वगैरह बनाते थे। अब कार्बन की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई, कितने हो गए, 0.3 से लेकर 0.6, तो अब अगर ये कार्बन की मात्रा बढ़ता है तो थोड़ा सा कैसा बनता है, मजबूत बनता है, इसकी जो शक्ति है, यांत्रिक शक्ति कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहा जा सकता है शाफ्ट गियर मशीन पार्ट्स इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब ये नोट डाउन कर लीजिए, हम इसके बाद का और एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। देन नेक्स्ट है हमारा हाई कार्बन स्टील, नेक्स्ट है हमारा हाई कार्बन स्टील। अब हाई कार्बन बोलो तो नाम से ही मालूम पड़ेगा कि इसमें कार्बन की मात्रा कैसी है, अत्यधिक है, इसमें कार्बन की मात्रा कैसी है, अत्यधिक है, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, नाम से ही मालूम पड़ता है, इसके हिंदी में क्या बोलेंगे लोग, उच्च कार्बन स्पात, क्या बोलेंगे, उच्च कार्बन स्पात, इसमें जो कार्बन की मात्रा मिलेगी, इसमें जो कार्बन की मात्रा मिलेगी ये 0.6 से लेके 1.7% मिलेगी, समझिए अब इसमें कार्बन की मात्रा कितनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा, तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 0.6 से लेके 0.7% तक हो सकती है, तो इसके लिए इसके गुण कैसे बनेंगे, ये अधिक कठोर होगा अधिक कठोर, सामर्थ्य भी अधिक होगा इसका, अधिक होगा यांत्रिक गुण भी अधिक होंगे, यांत्रिक गुण भी अधिक होंगे, मजबूत अधिक होगा, यानी ये जो हमारा हाई कार्बन स्टील है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 0.6 से लेकर 1.7% तक है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये अत्यधिक मजबूत बन रहा है, कठोर बन रहा है, इसमें यांत्रिक गुण भी अच्छे हमें मिल रहे हैं, इसलिए इसका उपयोग हम लोग कैटली करेंगे, कटिंग टूल्स बनाने के लिए करेंगे, कटिंग टूल बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। अब आपको बहुत बार पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि लेथ मशीन के कटिंग टूल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया गया, क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनिए, लेथ मशीन के कटिंग टूल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया, तो आप लिख सकते हो कि हाई कार्बन स्टील, क्यों, क्योंकि ये अधिक सामर्थ्य है, इसमें कार्बन की क्षमता अधिक है, कठोर अधिक है, यांत्रिक गुण बहुत अच्छा देता है, इसलिए इसका उपयोग हम कैटली करते हैं, कटिंग टूल बनाने के लिए करते हैं, तो ध्यान में रहेगा आपको। तो हम लोग ने अभी जो तीनों टाइप पढ़े थे, किन के तीनों टाइप पढ़े थे, प्लेन कार्बन स्टील के, और ये प्लेन कार्बन स्टील क्यों टाइप पढ़े, वो कार्बन की मात्राओं के अनुसार पढ़े, यानी अगर किसी स्टील में कार्बन की मात्रा है तो कार्बन की मात्रा के अनुसार हम लोग ने उनको भागों में विभाजित किया, तीन भागों में विभाजित किया, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में कितनी क्वालिटी थी, कार्बन की 0.25% से कम थी, जिसके कारण वो कैसा था, कम शक्तिशाली था, कम सामर्थ्य वाला था, इसलिए हम लोग उसका नॉर्मल काम के लिए काम करते थे, जैसे कि हम लोग उससे तार बनाते थे, चादर बनाते थे, प्लेट्स बनाते थे वगैरह। देन सेकेंड हमारा क्या था, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में कितनी क्वालिटी थी, 0.3 से लेकर 0.6% तक थी, तो इससे थोड़ी सी कार्बन होने के कारण इससे थोड़ी सी
भी बढ़ी, थोड़ा अधिक कंट्रोल बना, तो जिसकी वजह से हम लोग उसके क्या बनाए, हम लोग ने पार्ट्स बनाए, यानी हम लोग उसके आंतरिक गुण अच्छे होने के वजह से हम लोग ने उसके गियर बनाने के लिए उपयोग में लिया, ठीक है, गियर एंड शाफ्ट बनाने के लिए। देन नेक्स्ट हमारा आया था हार्ड कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है दोनों के कंपेयर में, कितना 0.6 से लेके 1.7%, तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा अधिक कठोर, अधिक सामर्थ्य वाला, उसका यांत्रिक गुण भी कैसा है, अधिक है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग क्या के लिए किया जाता है, कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है। तो हम लोग ने कार्बन स्टील के, प्लेन कार्बन स्टील के तीनों प्रकार देखे, ठीक है, और ये प्लेन कार्बन स्टील किसके प्रकार थे, स्टील का प्रकार था। अब हमारा स्टील का दूसरा प्रकार क्या था, अलॉय स्टील, कौन सा था, अलॉय स्टील, तभी हम लोग अलॉय स्टील के बारे में पढ़ेंगे। अलॉय स्टील उसको हम लोग कहेंगे मिश्र इस्पात, क्या कहेंगे, मिश्र इस्पात। अलॉय का मतलब पहले आप समझिए, अलॉय का मतलब होता है मिश्र, ठीक है ना, जब हम किसी धातु में दो या दो से अधिक धातु को मिक्स करते हैं, ठीक है, ऐसे कोई जब धातु बनती है जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलकर बनती है, ऐसे ही धातुओं को कहा जाता है अलॉय स्टील, क्या कहेंगे, अलॉय स्टील। तो अलॉय स्टील के में कैसा है कि इसमें हम लोग ने जैसा देखा कि स्टील में सिर्फ पहले हम लोग ने कार्बन, मैंगनीज, फास्फोरस और सिलिका नाम लिखा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा स्टील जिसमें कार्बन तो होगा, उसके साथ साथ टंगस्टन होगा, मेंडियम होगा, निकेल होगा, क्रोमियम होगा आदि मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें ऐसा स्टील, ऐसा स्टील जिसमें कार्बन के साथ, ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन, क्रोमियम, क्रोमियम मैं उसी के साथ साथ हमारा क्रोमियम हो गया, निकेल, निकेल, वेंडियम इत्यादि मिलाकर बनाई जाती है, उसे हम लोग कहेंगे अलॉय स्टील। तो ऐसा स्टील जिसमें कार्बन के साथ क्या क्या मिलाया जा रहा है, टंगस्टन, निकेल, क्रोमियम और वेंडियम, ठीक है, इनको मिला के जो इस्पात तैयार होगा, जिनको मिला के जो स्टील तैयार होगा, उसे हम लोग कहेंगे अलॉय स्टील, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलॉय स्टील। तो अलॉय स्टील के बनाने के उद्देश्य क्या है, भैया हमारे पास तो स्टील था, फिर हमें क्या गरज थी कि अलॉय स्टील बनाने का क्या उद्देश्य था, ठीक है, तो अलॉय स्टील देखिए, मैंने जैसे कि अभी बताया कि अगर हम किसी धातु में दूसरी धातु तभी मिक्स करते हैं जब हमें उसके उपयोग करने का उद्देश्य अलग हो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि कोई धातु बहुत ज़्यादा चमकदार होनी चाहिए तो हम उसमें उस प्रकार के धातु यूज़ करते हैं, हम कोई चाहते हैं कि उसमें डक्टिलिटी होनी चाहिए तो हम लोग उस टाइप का धातु मिक्स करते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा धातु बहुत ज़्यादा यांत्रिक मजबूत होना चाहिए तो हमें उसमें उस टाइप का ये करते हैं। तो हमारे अलॉय स्टील बनाने के उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य हमारा क्या है, अलॉय स्टील बनाने के उद्देश्य, ठीक है, पहला, पहले की बात करें कि हमें यौगिक गुणों को समृद्ध बनाना है, यौगिक गुणों को समृद्ध बनाना, क्या करना है, यौगिक गुण, यौगिक गुण यानी उसके अंदर जो हमारे ये होते हैं उसको हम लोग अगर समान रूप में करना है तो हम उसको कहेंगे करने के लिए यौगिक गुण के, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम लोग यौगिक गुण बनाने के, दूसरा है यौगिक गुणों जैसे कठोर और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, कठोरता तथा सामर्थ्य, कठोरता तथा सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, कठोरता तथा सामर्थ्य बढ़ाने के लिए दूसरा उद्देश्य क्या है हमारा, कि हमारा पहला गुण यौगिक गुण समान रूप में करने के लिए था, दूसरा काम क्या है हमारा कि हमें अगर अलॉय धातु यानी ऐसा स्टील तैयार
बहुत मजबूत हो, तो वैसे समय में हम लोग अलॉय स्टील बनाने का कार्य कर सकते हैं। तीसरा है हमारा कि घिसन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। घिसन प्रतिरोध का मतलब समझते हैं आप लोगों को, किसी धातु को घिसना, घिसन प्रतिरोध बनाने के लिए। अब घिसन का मतलब क्या, देखिए बहुत बार हम एक धातु से दूसरी धातु को घसते हैं, ठीक है ना। अब हमें एक धातु को घसना है और हम लोगों ने उसके लिए दूसरी धातु का उपयोग किया, लेकिन जब हम घसते हैं तो पहले धातु से जिस वस्तु से द्वारा हम लोग घस रहे वही ज्यादा घस रही है, तो हम लोग उसका उपयोग कर सकते क्या नहीं। इसका मतलब जो हमारी फाइल थी जिसको हम लोग ने घसने के लिए यूज किया उसका सामर्थ्य अधिक होना चाहिए। तो ऐसे समय में हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐसे धातु को मिक्स करेंगे जो उसके घिसन प्रतिरोध की क्षमता क्या करेंगी, बढ़ाएंगे, ठीक है। और चौथी बात, चौथा पॉइंट बात करते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट है हमारा सक्षारण प्रतिरोध करने के लिए। यानी अगर हमको उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगना चाहिए, बाहरी सुंदरता दिखनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे सक्षारण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट्स है कि हम लोग अलॉय क्यों बनाते हैं, हमें अलॉय स्टील क्यों बनाना चाहिए, उसके लिए हमारे पॉइंट है। देन उसके अंतर है कि हमें आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार तापमान बढ़ाने या घटाने के लिए, तापमान बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है। इन पांच उद्देश्यों के लिए, इन पांच उद्देश्य के लिए हम लोग स्टील को अलॉय स्टील में रूपांतरण करते हैं। और अगर हमें स्टील को अलॉय स्टील में बनाना है तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसमें हम लोग कौन कौन सी धातु को मिक्स कर सकते हैं, कार्बन तो करेंगे ही, तांसे के साथ साथ हम लोग क्या मिक्स करेंगे, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल और पेंडियम, ये टाइप के हम लोग धातु को मिक्स कर सकते हैं, बराबर। तो अलॉय स्टील का आप ये पढ़ लो, ठीक है। तो आज हम लोग ने जो स्टील का टॉपिक पढ़ा उसके अनुसार हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोग ने स्टील की परिभाषा पढ़ी, स्टील के दो टाइप पढ़े हम लोग ने, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील के भी तीन टाइप पढ़े, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी देखा। वैसे ही हम लोग ने अलॉय स्टील की डेफिनेशन पढ़ी और उसी के साथ उसको बनाने का क्या उद्देश्य था वो भी हम लोग ने देखा, ठीक है। और इसका भी उपयोग उसी अनुसार मशीन के टूल्स, मशीनरी पार्ट्स, हर जगह पे अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।